देखो गाइस ये निकला हमारा दूध। रुको मैं डालता हूँ। तुम्हारे पास क्या है ना भाई, छन्नी नहीं है तो क्या कर रहे हो इधर आप? पॉटी हैं? पॉटी ये दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। ठीक है, अभी तकरीबन टाइम हो चुका है इवनिंग का, 2 या 3 2:30 बज चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम निकल रहे हैं पालमपुर, क्योंकि निकलना पड़ेगा, शाम को वहीं रुकेंगे। कल क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ठीक है, इसकी आइस, उसके बाद में आपको मिलेगी अभी ब्लॉग में। ठीक है, अभी देखते हैं रिकवर क्या बताते हैं डॉक्टर। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ और आशु, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं पाएगी, उसको बोला थोड़ा झुक झुक के रहने के लिए डॉक्टर ने। और साथ में जा रही है मम्मी, और मम्मी निकाल रही है अंदर से भी अपनी आइटम। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर वगैरह लेके जाना, अगर कहीं बीच में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिप। ठीक है, तो प्राखित भी जा रहा है ना, प्राखित कहाँ जा रहे हो? बोलो, पता नहीं हम कहाँ जा रहे, मुझे याद ही नहीं है। पालमपुर जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं। ठीक है, अभी सामान वगैरह पैकिंग कर लेते हैं, पैक हो चुका है हमारा, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी चलते हैं नीचे गाड़ी के पास। ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो, पर प्राखित को टेंट जरूर चाहिए, तो इसने डाल दिया अभी अपना टेंट, छोटा सा। बड़ा है, बड़ा अभी देखते हैं, अगर हम गए तो वहाँ पे कल इसको दिखा के, उसके बाद आती टाइम वापसी में होगी, हम जाएंगे बीड बिलिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो अभी देखते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होगा तो भाई पक्का जाएंगे, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेंट भी और टेंट भी प्राखित लेके जा रहा है, तो चलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं ना। चलो मम्मा जल्दी चलो, लेट हो गया और अब पापा आ रहे हैं और मम्मा और पालमपुर जा रहे हैं हम। पापा चलो ना, दो ना टेंट चल रहे हैं ना, देखो पापा चल। अरे पापा जी मोबाइल को पकड़ो ना। अरे पापा आगे चल रहे हैं, सिलेंडर है, पूरे कपड़े ले लिए, ये हमारा टेंट, हम रास्ते में पिकनिक मनाएंगे टेंट लगा के, जब हम सुबह तक 6 बजे निकल जाएंगे। फिर ये आ गया प्राखित, और हमने रख दिया है सामान, अभी डालेंगे गाड़ी में। और ये आ रही है आशु, और अभी लेते हैं चाबी, रखते हैं सामान अंदर। क्या चाहिए तेरे को, कहाँ भाग रहा है दुकान में, हैं? गाड़ी आ रही, धीरे से बंद करो, छोड़ो। तो अभी चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं गया था, क्या बोला, बोले कहाँ गए थे, तो मैं गया था छोटा सा म्यूजिक सिस्टम है भागवत चलाने के लिए नीचे स्टूडियो में। ठीक है, तो काम आएगा, क्योंकि क्या है, तो गाड़ी में थोड़ा मेरा ख़राब हो चुका है म्यूजिक सिस्टम, तो इसलिए छोटा मैंने ब्लूटूथ लिया हुआ है। तो अभी चलते हैं। ए दादा की गाड़ी आपकी नहीं है? ठीक है, तो दादा किसके हैं? खुला रखा विंडो, प्राकृत खुला रखो विंडो पीछे, और खोला बस एक ही खिड़की खुली है, आधे रास्ते में। ठीक है, पद्धर से थोड़ा आगे उरला में,
तो यहाँ पे रुके हम थोड़ी देर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, और क्योंकि अभी कर रहा है थोड़ा चाय पीने का मन, ठीक है, तो बोलते हैं आज बाहर में, बाहर चाय नहीं पीनी है शॉप में, तो आज पियेंगे इधर ही, बनाएंगे अपने छोटे से सिलेंडर में, ठीक है। तो जो टेंट को भी तो लगाना है, टेंट नहीं लगाना अभी ना, तो दुकान वाली चाय तो हम डेली पीते हैं, तो आज हम थोड़ा सा दूध हमने ले लिया, दूध लेके आ जाओ और सिलेंडर भी उठा लो अंदर से प्रा खेत जाओ। तो इसको आइए सुसु, सेम 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 गाइस, ये देखो और खोल दे तुम नंगू मुंगू पर करो फन में सुसु करो, इसको बेशर्म नहीं है, देखो कहाँ सुसु कर रहा है। तो हमने निकाल दिया अपना सिलेंडर और आज हम बनाएंगे चाय, पता किसमें बनाएंगे आज, आज हम बनाएंगे छोटे से कुकर में, इसको फ्राई बिन भी है, मिनी है, क्योंकि हम जो छोटा था और चाय वाला होता है ना केतली, तो हम लाना भूल गए, तो हम बनाएंगे इसी में आज, ठीक है। और आज सु तो शक्ल नहीं दिखा रही है, बोलती है मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले चेकअप होगा इसका, क्योंकि इसको मना किया है देखने के लिए। तो अभी हमने रख दिया है चाय के लिए फ्राई बिन, और प्राकृत डालेगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, कितना डालो, ज्यादा पानी और डाल दो, और डाल दो थोड़ा सा, और डाल थोड़ा सा, और डाल दो, और डाल दो, बस 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 काफी है इतना ना, ठीक है। तो चाय बन रही है अभी, एक शाम का टाइम है और एकदम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ठीक है, और रोड देख सकते हो और ऊपर भी पहाड़ है, बिल्कुल मौसम भी बढ़िया एक नंबर। और अभी नहीं लगाना टेंट, इसको लगी है टेंट लगाने की, टेंट आगे लगाएंगे हम बाद में, ठीक है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बना रही है सु चाय, ठीक है, इसको चाहिए होती है चीनी ज़्यादा ना, कम डालना चीनी थोड़ी, मम्मी को भी चाय पिलाएंगे, बोले घर वाली चाय तो काफी पी है इन्होंने, गाय के दूध की है, तो आज बढ़िया लग रहा ना बाहर आके, है अच्छा लग रहा है, चाय पत्ती मिल गई, खा डालो चाय पत्ती, डालो थोड़ी सी, गाइस अभी मैं दूध डाल रहा हूँ, देखो गाइस ये निकला हमारा दूध, जैसे ट्रेन में बनाते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि मैं वही चाय है ट्रेन की। दोस्तों तब तक हमारी चाय बनती है ना, तो दोस्तों अगर आप लोग ना पहाड़ों पे आते हो ना, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, देखो यहाँ भी बंदे कोई आए हैं, तो पीछे देख सकते हो आप लोग वहाँ पे कितनी पन्नी फेंकी हुई है, कितना जो भी कचरा है यहाँ पे फेंका हुआ है, और यहाँ पे भी देख सकते हो भाई कईयों ने यहाँ पे, देखो यहाँ पे किया हुआ है, ड्रिंक वगैरह भी की है बंदों ने, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनके रैप पड़े हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी पन्नी, कितना पूरा मतलब यहीं पे फेंका हुआ है, तो भाई प्लीज़ इसको क्या है भाई, कोई गड्ढे में डाल दो आगे, या भाई डस्टबिन में डालो, कहीं डस्टबिन होगा, या अपने साथ भाई गाड़ी में लेके कहीं फेंक दो, अच्छी जगह डाल दो जहाँ डस्टबिन होगा उसमें डालो, क्योंकि भाई एक एक बंदा अगर आएगा यहाँ पर ना, तो पूरा एक दिन क्या होगा, पूरा जो पहाड़ है ये पूरा कचरे का बन जाएगा, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है गंदगी मत फैलाना आके यहाँ पे, कोई बंदा आता है घूमने के लिए पहाड़ों में, ठीक है। तो हमारी बन चुकी है अभी चाय, तो अभी बन गई हमारी चाय फाइनली, और मम्मी डाल दी, रुको मैं डालता हूँ, तुम्हारे पास क्या है ना भाई छन्नी नहीं है, तो अभी हमें ऐसे डालना पड़ेगी विदाउट छन्नी के। आपको पता है, देखो मैं
देखो तो मैं कहाँ रख लो चाय। तो अभी बन गई है हमारी चाय और साथ में बिस्किट रेड कलर का। इसको मैं इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वाले बिस्किट, क्योंकि हम बचपन में खाते थे स्कूल टाइम में, ठीक है, तो उस टाइम छोटे छोटे आते थे, अभी तो काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो चाय एक नंबर की बनी है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। जब आप छोटे थे तो छोटे ही। तो होगी हमारी चाय, चूहे प्राकृत को आ गई है पुट्टी, वो बैठा है उधर देखो। इसने ना सुबह नहीं करता है ना, बेशरम। अभी देखो ये बैठा है इधर पेड़ के पीछे, ये देखो ये बंदर इधर क्या कर रहे हो इधर आप? पोटी हैं? पोटी ये दिख रहा है, चलो अब कर लेता हूं मैं, फिर दिख जाएगा। तो ये लड़का सुबह नहीं करता ना, बस अभी आती है इसको हर कहीं। तो अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि पहुंचना है, शाम हो चुकी है, अभी एक आधा घंटा लगेगा क्योंकि हम रुकेंगे शाम को चौंतड़ा, उसके बाद कल निकलेंगे पालमपुर। और सर्दी थोड़ी लग रही है हमें, ठीक है, टोपी आपने पहना तो इसीलिए थोड़ा कैप पहन लेता हूं मैं। मैं तो पहनूंगा ही नहीं। क्या? मैं तो पहनूंगा ही नहीं। क्या नहीं पहनूंगा? क्योंकि सर्दी हो रही है ना अभी, क्योंकि शाम का मौसम है तो सर्दी हो रही है। तो अभी निकलते हैं। गाइस आपको पता है रास्ते में मैंने तो पोटी की थी और सुसु। ओए बस तू खाता रहे और करता रहे, बस कोई काम नहीं है तेरे को, ठीक है? तो खाने से ही तो बनता है पोटी और सुसु। सुसु तो पानी से बनता है, खाने से तो पोटी बनती है। तो पापा ने पता नहीं क्या इस गाड़ी में क्या है ना, इसमें क्या चूहा घुस गया था, तो इसमें पता नहीं कौन सी दवाई डाल रखी है ना, तो थोड़ी उसमें क्या गैस लग रही है, अभी सर दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का सबका, ठीक है, इसलिए विंडो खोल रहे, तो विंडो खोल रहे तो सर्दी लग रही है बाहर, तो क्या करें अभी। क्या किया दादा ने, बोलो दादा को। दादा आपने क्या किया? पूरी भर लिया है पानी यहाँ से, ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल वाटर ऊपर से आ रहा है बिल्कुल पहाड़ों के बीच से, एकदम ठंडा ठंडा, कोई फ्रिज का किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, गर्मियों के टाइम में भी ऐसे रहता है बिल्कुल चिल्ड एक नंबर। सुबह सुबह पानी चलता रहता है, क्या सुबह सुबह तक चलते रहता है? दिन रात चलता रहता है, ठीक है, चलते रहते तो पानी वेस्ट हो जाएगा, नहीं होता वेस्ट ना, अभी क्या करें, इसको लकड़ी होती जो उसको लगाना पड़ेगा और पानी कभी भी वेस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो ठीक बोल रहे हो आप ना, वेस्ट हो पाएगा, तो अभी क्या करें, अभी क्या कर सकते हैं इसका ना, इसको तो एक लकड़ी जैसे लगाना पड़ेगा। नहीं लकड़ी से फिर ऊपर से आ जाएगा इसका फ्लो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चौंतड़ा, जोगिंदर नगर से आगे पड़ता है थोड़ा सा, तो आज यहीं पे रुकेंगे, तो अभी कल निकलेंगे हम यहाँ से सुबह 7 या 8 बजे पालमपुर के लिए हॉस्पिटल के लिए। गाइस मैंने बताऊं क्या लिया, क्या लिया मैं? ट्रक, टैंक ट्रक, इसमें बहुत ज्यादा पानी पड़ता है, इसमें बहुत सचमुच खतरा है, इसमें पता कुछ चाबी चुबी तो नहीं है, बस ब्रूम ब्रूम भी छोड़ता है ये ट्रक, गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं अभी कल सुबह, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो नीचे लाल बटन है उसको क्लिक कर देना, नहीं करोगे तो हम आपको चौंतड़ा नहीं लाएंगे, करोगे तो हम आपको चौंतड़े में लाएंगे और चाय भी पिलाएंगे, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।